हे गुरुलोक, तो जैसा कि तुम जानते हो कि हमारे डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट्स हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, तो चलो मैं तुम्हें उनमें से ही कुछ के बारे में बताता हूँ, जिसमें मैं तुम्हें उनका काला चिट्ठा खोल के दिखाऊंगा और उनके कुछ करतूतों के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो वैसे तो डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बिहाइंड द सेट से हमें डेडपूल के एक वेरिएंट यानी समुराय वाले वेरिएंट के बारे में पता चल चुका है, जो कि मे बी कॉमिक्स में दिखने वाला डेडपूल पल्प हो सकता है। और ये लंबी चुटिया वाला डेडपूल का वेरिएंट ही समुराय वाला डेडपूल है, और हो सकता है कि ये डेडपूल का चाइनीज वाला वर्जन भी हो। और इसके अलावा अपने डेडपूल के कुछ और भी ज्यादा ब्रिलियंट वेरिएंट्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि किड पूल, वेनम पूल, लेडी पूल, डेथ मास्क और वुल्वरीन पूल भी शामिल हैं, जो कि हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखने को मिल सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इनके कांडों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेडी डेडपूल के बारे में, यानी कि वांडा विल्सन के बारे में। जी हाँ, इसका नाम वांडा विल्सन है और ये अर्थ 3010 की वेड विल्सन की ही फीमेल वर्जन है। इसे हमने सबसे पहले 2010 में डेडपूल मर्क विद अ माउथ के इश्यू 7 में नोटिस किया था। वांडा विल्सन सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्मी में शामिल होती है कुछ वफादार लोगों की तरह लड़ने के लिए, लेकिन बाद में डेडपूल बनने के बाद वो मल्टीवर्स डेडपूल कॉप से जाकर जुड़ जाती है। और लेडी डेडपूल के डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखने की काफी सारी अफवाहें हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि रायन रेनॉल्ड्स की खुद की सगी वाली बीवी इसका रोल प्ले कर सकती हैं। और अगर अब मैं डेडपूल के अगले वेरिएंट के बारे में बात करूं, तो वो है डेथ मास्क। और अपना डेथ मास्क हमें अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू 38 में देखने को मिला था पहली बार, और ये अर्थ 11638 का डेडपूल का वर्जन है, जो कि वहाँ का रीड रिचर्ड्स है। हाँ, मतलब कि उस वाली अर्थ के रीड रिचर्ड्स ने इस पे कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से ये सुपर जीनियस बन गया। और हाँ, रीड रिचर्ड्स ने इसके दिमाग के ट्यूमर को हटाने में इसकी मदद की, लेकिन ये अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए बहुत ज्यादा खतरनाक बन गया और उस अर्थ का खलनायक बन गया। ऐसा करने के लिए उसने खुद को डॉक्टर डूम का मास्क पहनाया और खुद को नाम दिया डेड मास्क। हाँ, मतलब इसने खुद को काफी हद तक डॉक्टर डूम से सिमिलर रखा है, और ये उसके कर कमलों पे भी चलता है, यानी कि उसे फॉलो भी करता है। तो ये एक हीरो होने से ज्यादा एक विलन है, और हमें मजा आ जाएगा अगर ये हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिल जाए। मतलब रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल वैसे भी इतना हरामी है, और अगर हमें डेड मास्क भी देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। इसके अलावा अगर मैं डेडपूल के अल्टीमेट वर्जन यानी अल्टीमेट डेडपूल की बात करूं, तो वो मार्वल कॉमिक्स में एक म्यूटेंट हंटर है, यानी वो म्यूटेंट का खात्मा करता है। चलो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। तो डेडपूल का ये अल्टीमेट वाला वर्जन अर्थ 1610 से बिलोंग करता है, और इसका डेब्यू हमें 2006 में आई अल्टीमेट स्पाइडरमैन इशू 91 में देखने को मिलता है। और ये ऐसा पहला इकलौता म्यूटेंट है जो कि खुद म्यूटेंट्स का खात्मा करता है, और वो भी फॉक्स वाले म्यूटेंट्स का। तो हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि हमें अल्टीमेट डेडपूल डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में देखने को मिले, जो कि फॉक्स के सारे बंदों को मारता फिरे, और हो सकता है कि वुल्वरीन की जान के पीछे भी यही पड़ा हो, और अपना वेड विल्सन का डेडपूल यानी हमारा ओजी डेडपूल ह्यूज जैकमैन के वुल्वरीन को उससे बचाए। और सच बताऊं तो ये मार्वल के लिए एक सबसे अच्छा मौका होगा डेडपूल के सबसे हरामी वेरिएंट को दिखाने के लिए, जो कि एक विलन की तरह काम करता है, और इससे उनका ये वाला सपना भी पूरा हो जाएगा कि डेडपूल केस द फॉक्स यूनिवर्स। तो वो ऐसा भी दिखा पाएंगे कि ये वाला डेडपूल अपने एक्समेंस को मारने पे तुला हुआ है, और वो अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर सारे एक्समेंस को टपका रहा है, और अपना डेडपूल और अपना वुल्वरीन मिलकर उसे रोक रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये वाले डेडपूल का वेरिएंट कैसांड्रा नोवा के लिए काम करे। हमारा नेक्स्ट वेरिएंट है डेडपूल का वेनम पूल, और वेनम पूल अर्थ 90211 से बिलोंग करता है, जो कि वेनम के डेडपूल पर कब्जा करने के बाद से वेनम पूल बनता है। मतलब कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला डेडपूल सीधे सीधे वेनम को सर्व करता है, यानी एडी ब्रॉक की तरह वेनम इसके लिए काम करता है। वेनम इस पे हावी हो चुका है पूरी तरह से, और इस वाले वेनम पूल को सबसे पहले 2011 में व्हाट इफ के इशू 1 में देखा गया था, और वेनम पूल की शुरुआत वहां से होती है जहां पर बियॉन्डर एक पार्टी करने के लिए आता है, और वहां पे उसका सबसे भरोसेमंद साथी होता है वेनम पूल। हालांकि इसके बाद वेनम पूल को डेड कोर के एक सदस्य के रूप में जाना जाने लगा। तो अगर हमें अपना वेनम पूल भी इस मूवी में देखने को मिल जाता है, तो ये मार्वल का एक टीस होगा सोनी के वेनम वर्स को लेकर, जो कि उन्होंने बिना स्पाइडरमैन के ही निकाल दिया, और अपना डेडपूल इस चीज के ऊपर एक जोक भी मार पाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम बात करते हैं अब अपने किड पूल के बारे में।
तो बेसिकली अर्थ 10,330 के वेड विल्सन के बच्चे रूप को ही किड पूल का नाम दिया गया था, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था जब उसे चार्ल्स एक्सेवियर के अनाथालय में लाया गया था। और जब अपना किड पूल चार्ल्स के अनाथाश्रम को तहस नहस कर देता है, तब उसे अर्थ 616 के डेडपूल के द्वारा मल्टीवर्सल डेडपूल कोर के एक सदस्य के रूप में काम पे रखा गया था। इसके अलावा ऐसे रूमर्स भी थे कि अपने रायन रेनॉल्ड्स के द एडम प्रोजेक्ट में जो बच्चे ने उनका बचपन का रोल प्ले किया था, वही बच्चा अब एमसीयू में किड पूल का रोल भी प्ले करने वाला है। तो 99% हमें किड पूल तो इस मूवी में पक्का देखने को मिलेगा ही। तो ये थे अब तक के डेडपूल के सबसे टॉप वेरियंट जो की दिख सकते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में। अभी तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और देखते रहो बंटी सेज यूट्यूब चैनल। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।